पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश में बिजनौर और नूरपुर विधानसभा और कैराना लोकसभा उपचुनाव के नतीजे में मिली जीत पर सपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। नूरपुर से गठबंधन प्रत्याशी नैमुल हसन ने भाजपा उम्मीदवार अवनी सिंह को 5,662 मतों से हराया। गोरखपुर और फूलपुर के बाद कैराना और नूरपुर उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन की जीत ने भाजपा के खिलाफ राजनीतिक माहौल खड़ा कर दिया। पंडित सत्येंद्र शर्मा मंडल अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के द्वारा अपने निवास पर मिष्ठान वितरण किया गया और जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर सपा व्यापार सभा के द्वारा मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पंडित सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि यह हार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। भाजपा ने केंद्र और प्रदेश की सत्ता आने से पहले जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। भाजपा ने हर वर्ग को निराश किया है। ये तो मैं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे समय पर उन्होंने इतना सही निर्णय लिया है, क्योंकि मोदी सरकार हर मोर्चे पे विफल है। उत्तर प्रदेश में योगी ने कुछ काम नहीं किया, उसका नतीजा फूलपुर और गोरखपुर में दिया था जनता ने। अब इतने महीनों के बाद क्योंकि काम ही नहीं हो रहा, इसलिए जनता ने जवाब नूरपुर विधानसभा और कैराना लोकसभा में सीधे दिया है। बुरी तरह हार गई है भारतीय जनता पार्टी और पूरा बहुमत माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता अपने दिल से अखिलेश यादव जी के लिए दुआ कर रही है कि ये सरकार वापस हो और इस सरकार का परचम एक बार फिर लहराए। ये जनादेश है कि 19 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही। उत्तर प्रदेश में समाजवादी और जो सहयोगी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, लोकदल और जितने भी हमारे सहयोगी गठबंधन जो हुआ है महागठबंधन, पूरे देश में उसी की सरकार बनने जा रही है। ये सीधा जनादेश है। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई कैराना और नूरपुर विधानसभा के क्षेत्र के सारे मतदाताओं को और हमारे कार्यकर्ता और सारे जितने समर्पित पदाधिकारी वहां लगे रहे। दिन रात उन्होंने एक मेहनत करी, उसका ये नतीजा सामने है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।